कुर्सी पर बैठने को लेकर मचा बवाल, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई तीखी नोकझोंक। गांधीनगर क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में ये वाकया हुआ। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां छोटी सी बात पर किस तरह से आमने सामने यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दिए। कांग्रेसी पार्षदों को उचित स्थान पर बैठने के लिए नहीं मिली कुर्सियां। कांग्रेसी पार्षदों ने कुर्सी नहीं मिलने पर विरोध भी जताया था, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और कांग्रेसी पार्षदों में नोकझोंक हो गई। कांग्रेसी पार्षद कांतिलाल ने सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दी है। तो कांग्रेसी पार्षदों ने कुर्सी नहीं मिलने पर विरोध जताया था, और ये विरोध इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो कि तीखी नोकझोंक में बदल गया। और साथ ही आपको बता दें कि खबरें ये भी आ रही है कि कांतिलाल ने सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ रिपोर्ट भी दी है। तो बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहस की अब वीडियो आप देख सकते हैं। कुर्सी पर बैठने को लेकर यह बवाल मचा। कांग्रेसी पार्षदों को सही स्थान नहीं दिया गया, ये उनका आरोप था, कुर्सी नहीं दी गई उनको बैठने के लिए, और ये बात तीखी नोकझोंक में तब्दील हो गई। गांधीनगर क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में यह वाकया हुआ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मदन प्रजापत। मदन, क्या पूरा मामला है? बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए कुर्सी के विवाद को लेकर। जी बिल्कुल सौरभ, आपको बताना चाहूंगा कि आबूरोड का जो नगर पालिका का जो गांधीनगर क्षेत्र है, वहां पर भारत विकसित संकल्प जो यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, उसी दरमियान यहां पर एक कार्यक्रम के बाद में जो कांग्रेस के जो जो कार्य पार्षद थे वो वहां पर कुर्सी को लेकर यहां पर भाजपा के पदाधिकारियों के बीच में यहां पर एक कार्यक्रम में ही यहां पर एक तीखी नोकझोंक भाजपा और कांग्रेस के जो पार्षद थे उनको देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला था यहां पर और तूल पकड़ता गया और बहस है वो बढ़ती ही गई। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही जो यहाँ पर जो राजनीतिक दल थे वो यहाँ पर इनके जो पार्षद थे वो यहाँ पर बहस करते हुए नजर आए। जी सौरभ, तो अभी क्या कुछ स्थिति है? खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेसी पार्षद कांतिलाल ने सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दी है। जी बिल्कुल सौरभ, आपने सही कहा कि इस मामले के बाद में यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष जो कांतिलाल प्रिया है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर थाने में जो सूर्य प्रताप है उसके विरुद्ध यहाँ मामला दर्ज करवा दिया है। और क्लीन को जो इस पूरे मामले में सौरभ जो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया जो को लेकर यहाँ पर जांच शुरू कर दी है। जी सौरभ, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मगन इस तमाम जानकारी के लिए।